हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मेरी दीदी हैं अंजना दीदी, अंजना ग्रोवर, जिनका आप लोग ब्लॉग्स देखते हैं, काफ़ी समय से चल रहा है। तो मैं इस बारे में ये बात करने जा रही हूँ कि मैं उनसे काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ। काफ़ी समय से हमारी बातचीत हो रही है और मैं संयोग से आज मैं दीदी के घर आई हुई थी, तो मैंने सोचा कि बात बात में हम लोग बात कर रहे थे, मैंने सोचा कि क्यों ना एक बात ऐसे निकल के आई तो उसके बारे में आप लोग को भी पता होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। आज संयोग से उनके पिताजी की बरसी है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जितना भी मैं अंजना दीदी के बारे में आज तक जानती हूँ या इनको जितना मैंने पढ़ा है या समझा है कि इतनी टैलेंटेड, इतना बोल्ड, इतना ट्रांसपेरेंट महिला हैं, जिनसे की बात करके अगर कोई भी आप बात इनके से करते हैं और उसमें एक शब्द भी कहीं भी इधर उधर होता है तो तुरंत उसको मतलब उसको टोकना है कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। तो मैं ये कह रही हूँ कि जो महिला इतनी बोल्ड हैं, इतनी स्ट्रांग लेडी हैं, तो क्यों ना उनके ये देखा जाए कि आखिर उनके अंदर ये खूबियाँ ये कहाँ से आई, कैसे सीखा उन्होंने, किसके प्रेरणा से आई। तो ये चीज़ थोड़ा जानना जरूरी होता है क्योंकि हर इंसान किसी न किसी से इम्प्रेस्ड होता है, इम्प्रेशन मिलता है, सीखता है अपने घर परिवार से। पहला कहा जाता है कि पहला जो गुरु होता है घर के माता पिता होते हैं। तो अंजना दीदी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप बताइए कुछ, आप अपने पिताजी के बारे में बताइए कि आप कैसे थे, कैसे आप लोग सीखे हैं, क्या उन्होंने उनसे प्रेरणा मिली मेरे आपको? जैसे अभी बबीता आपने कहा कि पहले गुरु माता पिता होते हैं, तो मेरे वाकई पहले गुरु माता पिता थे। और उन्होंने गुरु वाला ऐसा कुछ डायरेक्टली कुछ नहीं दिखाया, बस वो जीते रहे और हम सब बच्चे देखते रहे, मैं और मेरे जो भाई और बहन थे। और पिताजी के बारे में आज क्योंकि उनकी बरसी है, उनको गए हुए आज 19 साल हो गए। तो पिताजी के बारे में मैं क्या कहूँ, मतलब कुछ भी कहूँगी तो मैं बस शायद मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ऐसे माता भी और पिताजी भी, पापा जी जिनको हम बोलते थे, ऐसे पेरेंट्स मिले। तो पापा जी उस वक्त में अपने टाइम से बहुत आगे थे, जिसको कहते हैं ना। ये कह रही हूँ कि ये बताइए कि आपने कहा कि सारे भाई बहन, माता पिता सब लोग रहते जी थे, जी जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे थे तो आपने कहा कि हम 4 से छोटी आप थी। हालांकि मुझे ये लगा है आपकी बातों से मैंने ये निष्कर्ष निकाला है कि आप सबकी बहुत चहेती और बहुत लाडली और बहुत नखरे वाली रही हैं। आप बता रही थी कि सोते समय आपके पिताजी बहुत कुछ वैसे कॉमेडी करके जगाते थे और काफ़ी चीज़ें। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि उस समय में, जैसे आप बता रही हैं कि उस समय में 4-5 बच्चे और सारे लोग आपको देख कर, लगता है कोई भी इंसान आपको देख के ये कह सकता है दीदी कि आप बहुत ही एक अच्छे घर की लड़की दिखती हैं, काफ़ी स्मार्ट भी हैं, आप बहुत बोल्ड हैं, एक ओनेस्ट महिला, ट्रांसपेरेंट जो होता है, जिसकी बातों से लग सकता है, कोई भी आपसे बात करके ये जज कर सकता है कि ये महिला किसी भी तरह का किसी बात को लेकर कोई गलत चीज़ सुनना, बर्दाश्त करना या किसी के हाँ में हाँ मिलाना, या आजकल का दौर है जो कि किसी का सुन के मक्खन पॉलिश करना, तो ये चीज़ आपके अंदर बिल्कुल नहीं है। तो ये प्रेरणा, ये गुण आपके अंदर कहाँ से आया, मैं ये जानना चाह रही हूँ। अच्छा, पहले तो मेरे, जैसे आपने कहा कि 3 बहन है, मेरे मेरे अलावा 4 बहन है और एक भाई है। और इसके अलावा आप कह रहे थे कि आप मेरे पापा जी जो है वो कॉमेडी करके जगाते थे। कॉमेडी वैसी कॉमेडी नहीं, लेकिन हाँ वो जब हम, उनका ये था कि वो डांट नहीं लगाते थे, कभी भी डांट नहीं लगाते थे, और बड़े आराम से वो बात करते थे, तसल्ली से बात करते थे, और खुद सुबह उठ ही जाया करते थे जल्दी। तो कभी हम थोड़ा लेट तक सो रहे हैं तो उनको लगता था कि थोड़ा जल्दी उठ जाएं तो अच्छा है, क्योंकि उस वक्त हम स्कूल भी जाते थे तो एक नियम बरकरार रहे। तो और उनको ये भी था कि स्कूल भी, छुट्टी भी ना हो, तो खुद भी वो कुछ भी हो जाए अपना काम शौक का करते ही थे। उसके बारे में आगे देखते हैं बात होगी। तो वो बस ऐसे करते थे, वो कभी डांट नहीं लगा रहे हैं अगर हम नहीं उठ रहे हैं या कुछ है। वो सिर्फ एक ये वाला गाते थे, उठ जाग मुसाफिर भोर भाई, हमें याद है हम एक कमरे में सोते थे, स्पेशली सर्दियों में। तो चारपाइयाँ बिछी होती थी तो वो बिस्तर समेट रहे होते थे, बिस्तरा हम लोग कहते हैं, बिस्तरे समेट रहे होते थे। और ये गाना जैसे मुझे अपना स्पेशली याद है, वो ये वाला गाना, उठ जाग मुसाफिर भोर हो, या फिर वो हनुमान चालीसा गा रहे होते थे, तो ये गाना मुझे अभी तक याद है, ये गीत जो है। और हाँ, लाडली मैं रही हूँ, थोड़ी नखरे वाली भी रही हूँ, कभी कभी मैं थोड़ी ज़्यादा भी हो गई हूँ एक टाइम में, ज़्यादा नखरे वाली। प्रेरणा देखिए जो है, कहीं ना कहीं
देख के पेरेंट्स को ही आई है। और फादर क्योंकि उस समय अर्निंग वो थे, अर्निंग तो वही था उस वक्त, जो मैं एक छोटे टाउन से बिलोंग करती हूँ, हाथ उस समय जॉब ही नहीं होते थे इतने, है ना। मदर की तो बात छोड़ दो कि मदर जॉब करती, हम लोगों के लिए भी वहाँ जॉब नहीं थे पढ़ने के बाद, क्वालिफाइड अच्छे वेल क्वालिफाइड होने के बावजूद। तो था ये कि हमने अर्निंग सोर्स थी पापा जी की, तो अर्निंग सोर्स वही थे घर में। तो मैंने उनको जीते हुए देखा सब चीज़ें, जैसे वो जीते थे, जैसे वो हार्ड वर्किंग थे, वाकई बहुत हार्ड वर्किंग थे दोनों लोग। क्यों, और उसके अलावा साथ देखते थे सुबह उठ जाना सब कुछ ये, और किसी से कोई बेईमानी कभी नहीं देखी, बल्कि लोगों की हेल्प ही की आसपास के, और कभी जताया भी नहीं कि मैं बहुत हूँ या कुछ है, वो था ही नहीं मुझे लगता है। ये सब चीज़ें देखी तो हर एक से अच्छा व्यवहार और अच्छे से बातचीत, ढंग से बातचीत, शांत तरीके से, इधर उधर की बातें ना करके काम पे फोकस करना, तो ये सब चीज़ आ गई बस। अब एक कहा जाए कि कैसे हूँ मैं ऐसी, ये बताना ज़रा टेढ़ी खीर है मेरे लिए। बस हूँ मैं ऐसी मैं इससे अलग कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे लगता है इंसानी तौर पे किसी को भी अगर इंसान है उसमें चेतना है तो उसको ये सब चीज़ें पता होता है। लोग अपने से भाग रहे होते हैं कि हम बेईमानी कर रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं, लोगों को सता रहे हैं, लोगों को तंग कर रहे हैं, लोगों को हैरास कर रहे हैं, लोगों को टॉर्चर कर रहे हैं, और अपने से नीचे वाले, जो नीचे वाली कही जाती है, मेरे लिए कोई नीचा ऊंचा नहीं है, नीचे वाली जातियाँ जो बोली जाती हैं उनसे बदतमीज़ी कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो ये लोगों को सबको पता होता है हम गलत कर रहे हैं, लेकिन बस उनको ये एक्सेप्ट नहीं करना होता है। कुछ अहंकार होता है, कुछ कुछ होता है, लेकिन मेरे से वो नहीं हो पाता, मेरे से हो ही नहीं पाता, आया कहीं होगा, पेरेंट्स से ही आया होगा, बस मैं यही सोच सकती हूँ। बस मैं ऐसी हूँ, मैं वैसे कोशिश भी करूँ तो वैसी नहीं हो सकती, और मैं ऐसे अपने में आनंदित हूँ ऐसा होने में। बिल्कुल ठीक है ना। मैं ये कह रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, आप अब मुझे पता चल रहा है कि आप ऐसे क्यों हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जब बच्चा बर्न होता है उस समय से लेकर के, और ज्यों ज्यों वो बड़ा होता है वो अपने सबसे ज़्यादा अपने पेरेंट्स के इर्द गिर्द होता है। मैं ये पूछना चाह रही हूँ दीदी, इफ़ यू डोंट माइंड, कि आप कह रही थी कि आप 6 भाई बहन थे, तो मतलब सबने, आपने मुझे बात बात में, आपने अभी थोड़ी देर पहले जब हमारी बात हो रही थी तो आपने बताया था कि आपकी सिस्टर जो है आगरा में उस समय रह के उन्होंने पढ़ाया उनको, उस दौर में आपके पिताजी कह रही थी कि वही एक था जो अर्न करते थे, तो ये 6 बच्चों को पढ़ाना लिखाना ये सब चीज़ें बड़ा मुश्किल रही होगी। मतलब वो भी ऐसे ही होंगे जब आप छोटी हो गई, इतनी बोल रहे हैं, क्योंकि आपकी बातें मुझे इतनी पसंद हैं, मैं बहुत स्पेशली आपसे बहुत इंप्रेस्ड हूँ कि कोई बात आपकी इतनी ट्रांसपेरेंट होती है, और कोई चीज़ अगर बात के दौरान एक कहा जाता है गलती के नाम पर एक बिंदी भी अगर इधर उधर होती है तो तुरंत आप उसका खंडन करते हैं कि नहीं ऐसे नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ऐसे क्यों होना चाहिए, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए मुझे। जहाँ तक पापा जी की बात है, फादर की बात है कि उन्होंने पढ़ाया उस वक्त, पता नहीं वो कैसे था, हम भी अभी तक हैरान होते हैं, हमें भी नहीं समझ में आता, हम आपस में बात करते हैं कि वो ऐसे कैसे थे, और इतने छोटे से कस्बे में वो थे, तो वहाँ उस समय 6-7 घर थे मोहल्ले में हमारे, तो उसमें सबकी यहाँ ही थी बेटियाँ लड़कियाँ, तो सब परिवारों में थी फैमिलीज में, लेकिन ये तो हम अब सोचते हैं कि उस समय समय से कितना आगे थे। और जो मेरी सबसे बड़ी, मैं तो सबसे, ने जैसे भी बोला आई एम द यंगेस्ट वन इन द फैमिली, तो वो जो सबसे बड़ी बहन है वो अब काफ़ी बड़ी है, मेरे उनमें 4 भाई और बहन और हैं, तो काफ़ी बड़ी होंगी तो। उस वक्त तो मतलब वाकई एक हैरानी का बात है सोचो तो, कि उस समय उन्होंने पढ़ाया और कोएड कॉलेज कोई नहीं भेजता था, एक हमारा ग्रेजुएशन कॉलेज था वो सिर्फ गर्ल्स ओनली था, फिर अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है उधर हाथरस में तो फिर वो कोएड था जहाँ लड़के लड़कियाँ दोनों पढ़ते थे, तो उन्होंने भेजा वहाँ पढ़ने। और जहाँ तक सबसे बड़ी मेरी सिस्टर का सवाल है एल्डर मोस्ट का, तो उनको तो वो साइंस फैकल्टी का था उनका, तो उनको वो डायरेक्ट उन्होंने वहाँ MSc केमिस्ट्री के लिए आगरा कॉलेज में भेजा था। हाँ, और उसके बाद उन्होंने, लेकिन हैरानी की बात यही है कि उन्होंने किया, उस समय हमें ज़्यादा नहीं लगता था ठीक है। और जो पालन पोषण की बात है ये अब समझ में आती है, वही होता है ना, उस समय आप नहीं समझ पाते हैं चीज़ें। एग्जैक्टली हाँ, तो पालन पोषण की बात है तो उन्होंने क्या था, उनके कुछ शौक हुआ करते थे वो, ये भी हमें कुछ, हम थोड़े होश में आए तो हमें समझ में आया, शादी से पहले वो फिल्म्स देखते थे, दिलीप कुमार के फैन थे, फ्रेंड्स लोग बहुत थे,
और ये सब था उनके, कुछ तो ऐसे अच्छे ऐसे भी नहीं था, कोई कोई ऐब उनमें नहीं था, शौक थे जैसे सबकी होती हैं तो उनके भी। लेकिन उनके जब धीरे धीरे 6 बच्चे हुए तो मुझे समझ में आया कि उन्होंने, अगर बच्चे उनके हुए तो उन्होंने ये जिम्मेदारी मानी कि बच्चों का जीवन अच्छा बनाना है। तो हमने उनको हमेशा सफ़ेद वाइट शर्ट और कुर्ता, एक वो मिक्स जो होता है वाइट पजामा वाइट शर्ट, वही पहना करते थे, चाहे वो सर्दियां हों चाहे गर्मियां हों। सर्दियों के लिए वो थोड़े मोटे सिलवा लिया करते, ऊपर भी पहनते थे कोट वोट वगैरह और सब, जूते सॉक्स सब पहनते थे, लेकिन वो हमेशा रहता था वाइट शर्ट पजामे, वो एक से रहते थे, सिलवा लेते थे और वही पहनते। तो उन्होंने अपने लिए वो बिल्कुल अपनी लाइफ चेंज कर दी, और काम में फोकस, शॉप पे फोकस, और उसके अलावा जो है वो सुबह उठना, बही खाते, लिखना। एक मुनीम जी भी रखे हुए थे जो हमारे, हम जिनको अच्छा, चाचा जी बोलते थे जी, हमारे जी, उनसे फैमिली टर्म्स भी थे तो, लेकिन खुद भी बहुत काम करते थे, पूरा दिन काम करना। और हम लोगों की उन्होंने FDs उस जमाने में, जब सबसे बड़ी बहन, इतने साल पहले समझ लीजिए बहुत साल हो गए, तो सबके लिए धीरे धीरे करके FD कराई, प्लैंड वे में चले वो उस वक्त, बताइए मतलब व्हेन नाउ व्हेन वी लुक बैक, आई लुक बैक, मुझे लगता है मतलब, और उनको देख के बीच में ये बात भी आती है, FDs कराई, वो FDs हमारे जाहिर है काम आई बाद में, और अच्छी खासी कराते थे, पूरा ऑर्गेनाइज वे में चलते थे, सबके लिए 6 के लिए कराई उन्होंने, जो अब तक काम आई, बड़ी बात है। हाँ, और पढ़ाने की बात जाता है कि जब उन्होंने भेजा और हम लोगों को भी आगे, हमने तो हमारा आर्ट्स था सबका, बाकी लोगों का तो ब्रदर का भी कॉम था, तो ब्रदर को भी भेजा उस समय आगरा सेंट जॉन्स कॉलेज में, और हम लोगों को भी जहाँ जहाँ पढ़ना था जिसकी जो इच्छा थी, पोस्ट ग्रेजुएशन से आगे ही हैं सब, पोस्ट ग्रेजुएशन से ऊपर ही पढ़े हो, वेल क्वालिफाइड मतलब ठीक ठाक हैं, तो सबको भेजा, वो कोएड में भेजना था या जिसको जहाँ जाना था भेजा और पूरा पढ़ाया। फिर उनको देख के, जो मैं बात बता रही हूँ, उनको देख के जो मोहल्ले के बाकी लोग थे फैमिलीज, तो बाकी लोगों ने नहीं, फिर उनको देख के थोड़ी हिम्मत बटोरी, उनको हिम्मत आई कि अगर ये भेज सकते हैं, लड़कियों को बाहर भी भेज रहे हैं और कोएड कॉलेज में भी पढ़ा रहे हैं, तो बाकी लोग सब पढ़े, सारे पढ़े, फिर सारी लड़कियां पढ़ी, लड़के तो जो पढ़े सो पढ़े, जितना पढ़े, मुझे लड़कों का बट ऐसे नहीं है कि लड़के इतना क्वालिफाइड हुए थे, बेटियां लड़कियां सारी हुई वहाँ, पोस्ट ग्रेजुएशन सब हुई उस वक्त, BEd भी काफ़ी उस वक्त जो पढ़ाई थी मेन, ज़्यादा कुछ होता नहीं था, अब तो बहुत कुछ आ गया है इसमें अगर देखा जाए तो, उस समय तो बहुत लिमिटेड वो होते थे ऑप्शंस, तो उसमें यही होता था कि आप MA कर लें किसी सब्जेक्ट में, BEd कर लें, बहुत नाम होता होगा, तो ये सब उन्होंने उस वक्त किया। यही हम कह रहे थे, आपके बातों से काफ़ी चीज़ें बहुत निकल के आई कि देखा जाए तो मैं ये इसे कह सकती हूँ कि किसी अच्छे काम को करने के लिए अगर कोई इंसान शुरुआत करता है तो इंसान अगर इसे इम्प्रेस्ड होता है, इम्प्रेशन मिलता है, जैसे आपने बताया ना कि आपके पिताजी जब आप लोगों को पढ़ाने भेजे थे, उसके आपके और रिलेशन या मोहल्ले के जो भी लोग थे उन लोगों ने भी अपनी बेटियों को भेज के बाहर पढ़ाया, तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं ये पूछना चाह रही हूँ दीदी कि आप ये बताइए कि आज आप, मैं आई थी तो आप काफ़ी सैड लग रही थी, उदास बैठी हुई थी, आज आप अपने पापा के बारे में क्या सोच रही थी, मतलब आपको क्या लगा आज उनकी बर्थडे? सैड नहीं थी, सैड नहीं थी, बस उनका सोचती याद आ रही, पहले सैड मतलब होती थी, हाँ हाँ, मम्मी के बारे में भी और पापा के बारे में, दोनों के बारे में, जब जब उनकी ऐसे बरसी आती है तो मैं सैड हो जाया करती थी इन टू सेंस ऑफ द वर्ड, लेकिन अब सैड नहीं होती, अब थोड़ा सा देखती कि उन्होंने जो किया है, जितना अच्छे से जिया है पूरा जीवन, और जो उन्होंने, जो अभी आपने कहा कि मोहल्ले के लोग गए, उन्होंने भी इसलिए नहीं किया कि मुझे कोई अपना नाम कमाना है, मैंने भेजा मेरा कोई नाम होगा हिस्ट्री में, कोई नाम, वो तो सोचे ही नहीं होंगे, वो तो मतलब ही नहीं है, वो तो देखिए अभी भी मैं बोलती हूँ, जितनी बार मैं ये बात बोलूंगी मेरे को खुद हैरानी होती है कि उस समय वो ऐसे कैसे थे, इतने छोटे कस्बे में वो कैसे, बस वो भी ऐसे ही थे जैसे मैं कह रही हूँ ना अपना, कि मैं बस ऐसी हूँ, मैं और किसी तरह हो ही नहीं सकती, वो भी बस ऐसे ही थे, माँ भी हमारी, मदर भी बस ऐसे ही थी, बस आप देखिए कुछ और होने की जरूरत नहीं है, आप वाकई में बहुत अच्छी महिला हैं, और मैं तो ये कहती हूँ कि जो भी आपके इस ब्लॉग को देखे, जो भी इस वीडियो को देखे, हर लोग आपसे मिले और आपके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमको पता है कि मैं आपसे जब फेस टू फेस बात करती हूँ तो मुझे पता है कि आप, मतलब मैं आपसे पूछना भी चाहती हूँ कि आप इतनी, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हैं, आपके अंदर इतनी अच्छी बातें,
करें, मतलब किसी भी बात को, मतलब इतनी जल्दी उसको इतना ट्रांसपेरेंट और गलत को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना, उसको ऐसे बता देना कि नहीं ये गलत है, कैसे आता है दीदी आपके अंदर, आप बहुत बोल रहे हैं, इतनी ट्रांसपेरेंट है कि किसी चीज़ में इतना आप नहीं, आप गलत को गलत बोलती हैं, कोई आपके अंदर मिलावट नहीं है, मैं ये कह सकती हूँ कोई मिलावट नहीं है, टोटली बहुत प्योर हैं आप। मतलब मैं इसका कोई मतलब एक टू द पॉइंट जवाब है नहीं कोई, बस एक टाइम में था, मैं भी कुछ चीज़ों से मैंने समझौते किए हैं लाइफ में, ऐसा नहीं है, लेकिन अब मेरे लिए बतौर इंसान एक सच बहुत बड़ी चीज़ हो गई है, सच। तो अगर मेरे से कोई जुड़ता है, थोड़ा भी मुझे उसमें पोटेंशियल दिखता है कि उसमें कुछ मुझे थोड़ा सा भी दिख रहा है कि इंसानी वो एक जो होती हैं कंपैशन या कुछ क्वालिटीज़ दिखती हैं इस तरह की, तो मुझे लगता है कि अगर एटलीस्ट मैं सबसे मुंह नहीं लगती हूँ, लेकिन अगर मुझे लगता है किसी के थोड़े भी क्लोज आई हूँ, तो अगर उससे कुछ ऐसी बात हो रही है या कुछ उसके ऐसे विचार लग रहे हैं मुझे, तो मैं उसको एक बार कह देती हूँ कि अगर उसको समझ आए, जैसे आपसे बात हो रही है तो आप थोड़ी बातें आप अच्छे से समझ रही हो, है ना जी, जी, जी जो मैं मेरा जो है मेरे बिना कहे भी आप बहुत सारी बातें मेरे बारे में समझिए, ये आपकी खासियत है, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा समझ गई हूँ कि आप आगे जा सकते हैं उस चीज़ में, जी जी ठीक है, और अपने को समझने में, खुद को समझना होता है ना, वो चीज़ होती है। बाकी मैं कुछ ऐसा कह नहीं सकती खास के बोल्ड या कुछ, हाँ मेरे भी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, काफ़ी 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 रहे हैं, मैनी अप्स एंड डाउन्स आई हैव सीन थ्रू माई लाइफ टू दिस पॉइंट। तो अब ये है कि आप उससे क्या लेते हो अप्स एंड डाउन से, है ना, तो कुछ चीज़ें रही कि मैं जिनके आगे झुकी भी, लेकिन कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं थी वो झुकी, लेकिन हाँ झुकी हूँ चीज़ों के, लेकिन धीरे धीरे अंदर कहीं मेरे हमेशा वो आवाज़ होती थी कि ये मैं ठीक नहीं कर रही, नहीं कर रही हूँ, अंदर से एक आवाज़ आती थी ना कि ये गलत है, ये तो मुझे लगा कि इस चीज़ में मुझे छोड़ देना चाहिए था जॉब, नहीं बर्दाश्त करना है, गलत नहीं, गलत चीज नहीं, गलत चीजें नहीं बर्दाश्त करनी, करना भी नहीं चाहिए, गलत पता होनी चाहिए आपको गलत क्या है, वो मुझे उसका पता है गलत क्या है, तो वो चीजें हैं, तो वो वहां मैं अटकी, पर अब मैं बिल्कुल सोचे बिना अगर मुझे कुछ ठीक नहीं लगता है, पता लग जाता है आपको एक अंदर से ना, अगर ऐसे आती है तो मैं उसको अलग एक साइड में रख देती हूँ। मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, मैं ये चाहती हूँ कि मैं आपसे बहुत सारी बातें करूँ और करती रहूँगी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी इतने दिनों में आपसे मेरी जो बात हुई है जितनी भी, उसके दौरान मैंने एक चीज़ देखा है कि महिला, आप ये देखते हैं कि जो भी एक समाज में महिलाओं के चीज़ें काफ़ी हो रही हैं, आज के समय में महिलाओं के साथ काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं होना चाहिए, तो बातों बातों में मुझे आपसे वो भी निकल के आया कि आपने काफ़ी चीज़ें बोली, तो मैं ये चाहती हूँ कि कभी, और आपको अगर आप चाहें, अगर मुझे आप टाइम देना चाहें तो आप, मैं इस बारे में मैं आपसे डेफिनेटली बात करना चाहूँगी, मैं चाहूँगी कि ये इस चैनल के माध्यम से, अंजना ब्लॉग से जो हमारा चैनल है, इसके माध्यम से हम लोगों की तरफ पहुँचाएँ और हमारी महिलाएं इस बात को समझें और बोलें और खुद के लिए लड़ना सीखें, स्ट्रांग होना सीखें, क्योंकि इस ज़माने में सब कुछ मिलना बहुत आसान है, लेकिन महिलाएं खुद के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं देखती हूँ कहीं कहीं कि वो देखती हैं कि उनके साथ गलत हो रहा है, फिर भी वो एक उनके अंदर ऐसी एक दबाव है, खुद से डरी सहमी है, जिसको वो लोग ही डरी सहमी और समाज का दबाव जी, समाज का, फैमिली का, महिलाओं के साथ, देखिए दीदी अब हम ये पता नहीं हम कितना अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो फैमिली में भी ये बहुत सारे लोग जानते हैं कि महिलाओं से अपने घर में भी वो बहुत टॉर्चर होती हैं, बहुत सारी चीज़ें उनको सहनी पड़ती हैं, समाज तो खैर हम समाज को तो गैर मानते हैं, लेकिन कहने के लिए एक अपना होता है, परिवार को हम अपना मानते हैं, जिसके लिए महिलाएं काफ़ी कॉम्प्रोमाइज करती हैं, क्या क्या बर्दाश्त करती हैं, तो उसके बारे में मैं आपसे चाहूँगी आगे कि इस बारे में हम लोग बात करें, और उसके लिए मैं आपसे टाइम मांगूंगी। और ये भी है कि आज आपने मुझे टाइम दिया, मुझे बहुत मन था आपसे बात करने के लिए, और संयोग से आज आपके पापा की बरसी है तो उस बारे में अच्छा मौका मिला बात करने के लिए, हम लोग बात किए, और थोड़ा मैं ये भी चाहती हूँ कि मैं आज मेरा फास्ट भी है, तो हम लोग बड़ा अच्छा रहा हमारे लिए कि जब आप महिलाओं के बारे में बात करेंगे तो फास्ट के बारे में भी आपकी बात की जाएगी, हमें पता है आप करेंगी। दूसरी बात मैं ये कह रही हूँ कि मैं ये मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ भी आपके आज पिताजी होंगे वो अगर आपको देख रहे होंगे
होंगे, सुन रहे होंगे, हालांकि माँ बाप के आशीर्वाद हो, जहाँ भी रहते हैं अपने बच्चों से हमेशा कनेक्ट रहते हैं, तो वो जहाँ भी आज आपको देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, इतना गर्व हो रहा होगा उनको कि उन्होंने अपनी बेटी को इस लायक बनाया है, जो इतना उनको प्रेरणा की स्रोत मानती हैं कि आज वो देख रहे हैं उसमें कितनी बोल्ड हैं, इतनी सच्ची और अच्छी हैं कि हर, कहा जाता है, हर जोर जुर्म की टक्कर से लड़ने वाली किसी बात को, इस दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई चीज़ गलत है तो जुल्म को सहना, बर्दाश्त करना और उसमें हाँ हाँ में हाँ के मिला करके वो करना, तो वो चीज़ आपके अंदर नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है, मैं खुद आपसे सीखती हूँ, भले ही मैं आपसे इंटरव्यू ले रही हूँ लेकिन मैंने इतना कुछ चीज़ें आपसे सीखा है तो मैं आगे भी सीखती रहूँगी। तो आप ये है कि सीखते तो सभी रहते हैं। जी जी, आप सीखते हो, मैं भी खुद से, सबसे बड़ी चीज़ आप कब सीखते हो जी, जी जो जी। मैं भी सीख रही हूँ कि खुद को देख के अपने जी, अंदर जी, कि आप क्या कर रहे हो, हर पल आप, हर मोमेंट आप देखते रहो कि आप कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, खुद को ऑब्जर्व करते रहो, है ना, उससे आदमी बहुत सीखता है। जी जी जी। और इसके आगे का भी ये और पड़ाव हैं वो धीरे धीरे समझ में आएंगे, तो मैं भी सीख ही रही हूँ। हाँ, सीख ही रही हूँ और सब सीखते रहते हैं, कोई जी, भी हो, कितना भी कहीं भी पहुँच गया हो, वो सीख ही रहा होता है। सीखना तो अंत तक, लास्ट जो कहते हैं ना, आखिरी सांस तक, वो ख़त्म नहीं होता। और सबसे बड़ी बात है कि अपने चीज़ों से आदमी, एक्सपीरियंस से और बिल्कुल अपने को सेल्फ ऑब्जर्वेशन से, सेल्फ रिफ्लेक्शन से, जिसको आत्मावलोकन कहते हैं, जी जी, उससे सबसे ज़्यादा सीखता है। आपकी बातों से मुझे ऐसा लगा है कि आप काफ़ी प्रैक्टिकल हैं और हमें लगता है कि प्रैक्टिकल होना भी चाहिए इंसान को, तभी इंसान दूसरे के दुख दर्द और काफ़ी चीज़ों को समझ पाता है। क्योंकि अगर मैं आपको कोई चीज़ बोल रही हूँ, जैसी बात जैसे आपको हर्ट हो रहा है या तकलीफ पहुँच रही है, तो मुझे सोचना चाहिए कि अगर आप भी मुझे ऐसे बात करें तो मुझे भी ऐसे होता, दूसरे को भी ऐसे। देखो बबीता, आज तुमने बात ये की थी, तुम्हें उसके लिए एक वर्ड होता है, वो तुम्हें नहीं पता था। ये आपने कहा कि मैं वैसा सोचती हूँ कि अगर मेरे साथ जो हो रहा है, मेरी जगह उसकी जगह मैं होती तो मुझे कैसा लगता, मैंने जैसे उसको बोला है, जो भी उसके साथ मैंने बिहेव किया या जैसे भी किया, तो मुझे लगा कि आप में वो, ये बहुत बड़ी बात होती है समझ में, यही चीज़ हो जाए तो बहुत सारा समाज इम्प्रूव हो जाए। ये जो जी, जी। जो खामा खा की फालतू बातें जो चल रही है समाज में सालों से, सदियों से, ये सब आदि तो, और अब इस युग में तो, इस उसमें, इस टाइम में तो ये समझना चाहिए, अब भी नहीं समझ रहे, तो उसके लिए एक वर्ड होता है एम्पैथी, कि मैं जी, उसकी जगह होते तो क्या होता। ये अपने आप में ये बहुत समझदारी की बात है आज, कि हाँ वर्ड नहीं पता उसका क्या है, तुम्हें वो चीज़ तो पता है ना, तुम उसको करती तो हो ना उसको। मैं ये कह रही थी कि थोड़ा सा मुझे ये बताइए आप अपने पापा के बारे में, मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपके जैसे होता है, देखिए कोई अन्यथा मत लीजिएगा इस चीज़ को, कि आपके मम्मी पापा के बीच में क्या रिलेशन था। जैसे हर कभी कभी होता है ना कि हस्बैंड वाइफ बहुत ज़्यादा, किसी में बहुत ज़्यादा वैसी जिंदगी रहती है, तकरार वाली, बहुत प्यार वाली, तो आपके मम्मी पापा का रिलेशनशिप कैसे था पति पत्नी के रूप में? नहीं ना, ऐसा प्यार वाला था, लेकिन तकरार वाला तो कम ही था, था एक बहुत अच्छा सा रिलेशनशिप था, जिसमें मैंने बताया क्योंकि मम्मी तो काम करती नहीं, तो मम्मी क्योंकि घर का था तो अपना हाउस वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से करती थी। जी जी। पापा सुबह उठते थे तो वो भी पहले वैसे ही उठ जाते थे, बड़े लोग ना जल्दी, तो दादी वादी सब उठते थे तो वो उठ के चाय बना के देती थी और वो सब है। और दोनों में ये था कि ऐसे कोई ऐसा वैसी लड़ाई नहीं होती थी, लेकिन हाँ कभी कभी हो जाता था, क्योंकि लेडीज़ थोड़ी फ्रस्ट्रेट तो हो ही जाती हैं, इसलिए नहीं कि काम करना पड़ता है, काम करने में तो मम्मी का ऐसा था नहीं, मम्मी बहुत मदर जो थी मेरी, वो काम करने में अच्छी भी बहुत थी, चाहे वो खाना हो, चाहे वो सिलाई हो, चाहे कुछ चीज़ हो, तो वो बहुत अच्छे से, साफ़ सुथरे ढंग से बहुत अच्छी करती थी, बिल्कुल जो कहते हैं ना, जब तक कोशिश करती थी परफेक्ट हो जो भी चीज़ हो, लेकिन हाँ कभी कभी वो फ्रस्ट्रेट हो जाती थी कुछ चीज़ों से, कुछ चीज़ें होती हैं तो फिर कभी कभी उनका गुस्सा एकदम फूट के निकलता था। चलिए उसको हम लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते, नहीं लड़ाई झगड़ा नहीं कह सकते, लेकिन होती थी, नहीं नहीं ईमानदारी की बात है कि वो थोड़ा बहुत तो होता था, मम्मी कई बार ज्यादा वो हो जाती थी, क्योंकि उनको लगता था कि, क्योंकि मम्मी मेरी वो थी कि बहुत ही ऐसी थी कि चलाक तो थी नहीं मैं, पापा भी चलाक नहीं थे, लेकिन और लोग जो घर के लोग चलाकी करते हैं जैसे इन लॉज वगैरह, तो वो कहीं ना कहीं उनका गुस्सा, हालांकि पापा ने उनका पूरा साथ दिया है ना, और ऐसे था कि जॉइंट फैमिली थी, पर हमारी फैमिली अलग थी, ऊपर मतलब हमारे जो दूसरे फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे बाकी जो भी लोग थे,
लेकिन साथ भी दिया उन्होंने, कभी ऐसा नहीं है बच्चों को भी पढ़ाया कोई नहीं, पूरी जिम्मेदारियां ली, पूरे जिम्मेदार एक जो इंसान होता है वो थे पापा। लेकिन फिर भी अगर अगर इन लॉज की तरफ से कोई कुछ आ रहा है तो वो बोल तो पाती नहीं थी। अब ऐसे आदमी का गुस्सा कहीं फूटेगा, वो जेंटल एक महिला थी जी। तो वो किसी से चालाकी कर ही नहीं सकती थी, वो थी ही नहीं चालाक। अच्छा तो लेकिन समझती तो सब थी कि मेरे साथ चालाकी हो रही है, मेरे साथ ये गलत हो हाँ रहा है। और उनका जो बैकग्राउंड था पीछे, उनके जो पेरेंट्स थे वो बहुत जेंटल थे और शरीफ थे, मेरे नाना नानी अच्छा नाना। अच्छा नानी मस्करी बहुत थी, मस्त जी थी, लेकिन चालाकी वलाकी वाली वाली चीज़ किसी में नहीं थी। तो वो कहीं उनका कभी कभी गुस्सा फूट के कभी बहुत ज़बरदस्त निकलता था। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा और बाकी आपने क्या बात करी, बाकी तो यही कि इतना ही कुछ रहता था। वैसे रिलेशनशिप बिल्कुल अच्छा था, जी दोनों साथ मिलके पापा घर के काम में भी हाथ बटाते थे, ऐसा नहीं घर के काम में मतलब इतना तो नहीं वो बटा पाते थे क्योंकि हाँ उन्हीं को कमा के और सब कुछ हाँ करना था। घर चलाना तो जितना जैसे सुबह उठ गए तो जैसे मुझे भी, मेरे भी एग्जाम है तो उनको पता था कि मम्मी जो है लेट काम करके सोई है, बहुत सारा 6 बच्चों का काम बहुत होता है, सब पढ़ हाँ रहे हैं, बिल्कुल सबका खाना पीना अच्छे से सब होता था, खाना पीना सब जितना अच्छा हो सकता था वो कर जी रखते थे, जी जी फ्रूट से वो। तो वो सुबह मुझे अपना, मैं बताती हूँ कि मेरे जब एग्जाम्स होते थे तो मैं रात को ज़्यादा लेट तक नहीं पढ़ सकती थी, अभी जी मेरा जी चेंज हो गया, उल्टा हो गया। जी तो मैं सुबह उठती थी, कभी 3:30 कभी 4, तो खैर फिर मैं सुबह उठती थी, 1-2 दिन पहले तैयारी शुरू होती थी जब एग्ज़ाम शुरू होते थे। हाँ तो वो ज्यादातर होता जिस है दिन सभी का एग्ज़ाम होता है। होता था तो स्पेशली मैं 3:30-4 बजे उठ के जो रिवाइज करते हैं, रिवीजन उस वक्त जैसे भी हुआ करता था जी जी तो वो सब करती करती थी। तो पापा जो थे वो मम्मी को नहीं उठाते थे, वो अच्छा खुद उठा के मेरे लिए चाय और कभी ब्रेड सेक के वो खुद लेके आते थे। उठाने का भी उनका, उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी हुई थी, बिना कुछ कहे वो कहते कुछ नहीं थे कि मैं यही कर रहा हूँ, मैंने ये किया ये, जैसे कई बार होता है ना हस्बैंड वाइफ आपस में करते हैं कि हम, मैं उठ गया था तुम हाँ नहीं, हाँ मैं ही करा ये सुनाना हो काम गया एग्जाम में, मैंने ही उसकी मदद की, मतलब मैं ही उठता रहा, वो कोई बात ही नहीं थी। तो वो बिना कुछ कहे, तो आपस में ऐसा ही हिसाब था। और अगर कुछ वो बन रहे हैं सर्दियों में, हमारे यहाँ पिन्नी बोलते हैं जो अच्छा आटे अच्छा के लड्डू होते हैं, गोंद के लड्डू, जी 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 वो उसमें हिलाना। आपकी बातों से मुझे ऐसा लगा कि आपके फादर जो थे काफ़ी सपोर्टिव थे। मैं मतलब मैं ये कहना चाह रही थी कि एक तरह से मैं कह सकती हूँ कि जैसे ये देश पुरुष प्रधान देश है, मर्दवादी सोच का लोग बोलते हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? हमें नहीं लग रहा आपकी बातें सुन के कि वो इस टाइप के रहे होंगे, तो आप थोड़ा इसके बारे में प्रकाश नहीं, वो डालिए। थे भी नहीं इस तरह के, बिल्कुल भी नहीं थे, हमने तो बिल्कुल नहीं देखा उसको। अब तो इसकी बढ़ चढ़ के बातें होती हैं और मर्द लोग भी करते हैं कि हम ऐसी सोच नहीं रखते हैं, हम स्त्रियों को पूरा सम्मान देते हैं, लेकिन ऐसा बड़ी है भारी नहीं। भरकम बातें करते हैं लेकिन करने में जब आता है प्रैक्टिकली तो नहीं। लेकिन वो बात तो ऐसी कुछ करते नहीं थे, वो तो अपना फोकस रहते थे, मसरूफ रहते थे अपने काम में। और तो जैसा कि अभी मैंने अभी बता ही रही थी कि वो काम भी करा देते थे, जब वो कुछ बन रहा है कर रहा है, हिलाना डुलाना है, अच्छा गाजर का हलवा भी इतना बनता था है ना, क्योंकि 6-6 लोग थे, टोटल 8 थे हम लोग पेरेंट्स मिला के, तो एक बार में बन नहीं पाता था, मम्मी से घर के पूरे पूरे दिन का मदर काम करती थी, तो वो रात को कुछ कर दिया, सुबह वो भी उठ जाते थे हिलाते रहे उसको, बड़ी सी कढ़ाई हुआ करती थी तो उसमें हाथ बटाना। बाकी और जो घर के हैं, दरवाजा में दीमक लग गई मुझे याद है, वो उसमें तेल लगा रहे हैं तारपीन का और इस सब चीज़ करते रहते थे। और बाकी जहाँ तक बात है, मुझे स्पेशली याद आ रहा है पर्टिकुलरली करवा चौथ, करवा चौथ अव्वल तो वो मना करते थे, मम्मी को मत रखो, परेशान होने की जरूरत ही नहीं। कई बार आदमियों को देखो, आदमी कहते तो हैं कि नहीं रखो, लेकिन जब छोड़ छोड़ भी तो दे बुरा ना, लगता ना है। इधर का रखते हैं ना उधर का, तो फिर मुंह भी फूल जाता है। तो उनके साथ ऐसा नहीं था, छोड़ दो तो छोड़ दो, बड़े आराम से कहते थे छोड़ दो। लेकिन अब क्योंकि मम्मी रखती थी तो उनको पता था रखती तो है, तो एक दिन पहले मीठा वीठा सुबह के लिए जो सरगी होती है जी जी जिसको सहरी बोलते हैं, हाँ हाँ तो वो 3-4-1 बजे करते थे, तो लेके आ जाते थे सामान वामान के। वैसे ज़्यादा खा तो पाते नहीं है सुबह, लेकिन वो लेके आते थे, वो अपना करते थे कि खाना है, फ्रूट्स भी सब ला के रखते थे और सुबह उठते भी थे मदर के साथ, ये वो बहुत उठते अच्छी थे बात है। 3:30-4, तब सर्दी, अब थोड़ा क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, तब सर्दी ज़्यादा पड़ती थी, ऐसे नवंबर के आसपास काफ़ी सर्दी होती थी, तो वो ये करते थे। और फाइनली फिर मदर ने करवा चौथ रखना छोड़ दिया था क्योंकि उनकी अच्छा थोड़ी तबीयत बीपी हाई रहता था और ये सब होता था, तो लेकिन उनको कोई उससे था, वो तो पहले ही कहते थे चाहते मत थे कि रखो, ना रखे। उनके दिमाग में ये सब कुछ था ही नहीं, तो मर्दवादी सोच तो कुछ था ही नहीं उनकी। अच्छा ये बहुत अच्छी बात वो है। कोई ऐलान नहीं करते थे, कोई ये नहीं करते थे कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ,
उनको ये सब पता नहीं था, बस वो थे, वो भी वही कह रही हूँ ना, बाद में फिर वही आता वो थे ऐसे। बहुत अच्छी बात आपने बताई कि मतलब उस समय में, काफी साल पहले की बात है कि उस समय भी करवा चौथ देखिए वो 7 में 4 बजे उठ के उनके साथ सहरी करते थे, रहते भी थे, वो बिग डील बनाते। जबकि देखा जाए तो पहले के जमाने में तो और लोग मतलब महिलाएं ज्यादा पति प्रथा और वैसे वाली चीजें चलती थी ना, हमने सुना है जो भी चलती तो थी। हाँ, लेकिन इस बात में मैं थोड़ा इंटरप्ट करूंगी कि अभी भी अब ज्यादा और बढ़ती है। हाँ 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 हाँ, इस पे हम लोग बात करेंगे, बात करेंगे, अभी आपके पापा के चूंकि आज बरसी है तो हम उनके बारे में ही बात करना चाह रहे हैं। थोड़ा सा एक और चीज मेरे दिमाग में ख्याल आ रहा है, मैं चाह रही हूँ कि आपसे पूछ लूँ प्रश्न, थोड़ा आप इसको भी बता दीजिए कि क्या वो आपके पिताजी के बारे में, आपने जितनी भी बातें अभी तक करी हैं मुझे आपकी बातों से बिल्कुल ऐसा तो लगा नहीं, लेकिन मेरे मन में एक सवाल आ रहा तो मैं पूछ ही लेती हूँ कि जैसे आपका एक भाई था, आप 5 बहनें थी, तो जाहिर सी बात है कि भाई थोड़ा आपसे बड़े या 2-3 लोग से छोटे बड़े होंगे, ऐसे में 4-5 लोग फैमिली हो जाती है। तो ये सुनने में आता है समाज में कि जैसे एक लड़का होता है बहुत उससे होता है 3-4 लड़कियों के बाद तो बहुत ज्यादा उसकी केयर और लड़कियों मतलब मैं अन समान लड़के लड़कियों में, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो इसमें मैं ये बात करूं कि मेरे ब्रदर को तो ये होता था कि ये लड़कियों के लिए ज्यादा करते। अच्छा, मतलब आपके पिताजी का लड़कियों के प्रति ज्यादा था। ये बहुत अच्छी बात है, अच्छा लग रहा है सुनकर मुझे। वो ये कहता था कि मुझे ज्यादा टोकते हैं किसी चीज में, बाहर जाऊं या ज्यादा लेट आऊं, जितना भी लेट आता था, और लड़कियों नहीं करते हैं, तो ये था। भाई में भी, ब्रदर में भी ये सोच आई है धीरे धीरे कि हर काम महिला ही क्यों करे। जी जी, है ना, कि एक तो खाना बना रही है, अब जैसे उसको जैसे पाला गया, अब यहाँ तो देखो मेरे पेरेंट्स उतना नहीं सोच पाए कि इसको भी घर का काम सिखाना है, ठीक है, तो वो उतना नहीं सीखा है, लेकिन हाँ वो चाय वाय बना के पिला देता था एक टाइम के बाद हमको, मैं और एक टाइम में मैं थे और मदर होती थी, तो हम तीनों की चाय वो ही बनाता था। अच्छा। मतलब मैं अगर वो सोचूं कि उनमें कोई भेदभाव था तो उसमें ये था, उसमें भी कहीं देख के ही कहीं आया होगा कि वो उसने कुछ टाइम बाद, काफी साल हो गए, उसने ये सोचना किया कि महिलाएं क्यों काम कर रही हैं और खट रही हैं किचन में, तो वो इतना तो कर लेता था कि थोड़ा बहुत जो बना सकता था वो हम लोगों को बना के खिला देता था, जितना अब सीखा ही नहीं शुरू से तो इतना आसान नहीं होता ना। और ये कि बर्तन उठा के ले जा रहे हैं जूठे और कर रहे हैं, वो खुद ही करता था, वो उसको था, वो भी नहीं कहता था, वो कहता था मुझे भी नहीं समझ में आता। और मेरे फादर का क्या था, इधर कोई मैसेज आ रहा था, मेरे फादर का क्या था कि उनका ये कहना था, क्योंकि वहाँ उस वक्त कुछ ऐसा था नहीं, सॉलिड जॉब वॉब कुछ था ही नहीं, वैसे भी नहीं थे इतने जॉब जितने आप इसको ऑप्शंस हो गए, तो ये था कि आप बिजी रहिए सबके साथ, उनका यही था बिजी रहिए आप, ये नहीं था कि किचन का काम महिलाओं के लिए जरूरी होता है इसलिए सिलाई करिए, इसलिए किचन का खाना कुकिंग करिए, इसलिए ये करिए, वो ये कहते थे अब क्योंकि कुछ और तो है नहीं, पढ़ तो आप रहे ही हो। हाँ। और बुक्स भी उन्होंने अच्छी अच्छी हमें पढ़ाई, उस समय रीडर्स डाइजेस्ट का लेवल काफ़ी अच्छा होता था, तो वो उन्होंने लगवाई हुई थी, पराग एक बच्चों की पत्रिका थी वो थी, उससे भी फर्क पड़ा। हाँ, यूँ तो हमने आलतू फालतू के नावल भी पढ़े, अब फिर बाद में थोड़े बड़े हो गए तो ब्रदर लाने लगा और हम सब पढ़ते थे चाव से, लेकिन वो पत्रिकाएं जो बचपन में एक नींव डली है वो तो रही। पराग अपने टाइम की बहुत अच्छी थी, और प्रेमचंद के नावल वो मम्मी ने मुझे, तो मदर ने कहे कि आप पढ़ो ये वाले अच्छे, तो बुक्स तो हमने इतनी पढ़ी है, इतनी पढ़ी है कि जिसकी कोई नहीं, और अच्छी ही पढ़ी है, कुछ पढ़ी है वो दिखता है, लेकिन आप एक बन जाता है तो एक अप्पा बन जाता है, लेकिन जो शुरू में जो बुक्स कई बार एक बार सरप्राइज दिया था जो मेरे ब्रदर को याद है कि उन्होंने एक कहा था कि एकदम उनको कहीं कोई ऐड दिखा था, उस समय उर्दू का पेपर आता था, किस पेपर में था मुझे उसको वो बेहतर बता सकेगा ब्रदर, तो उसमें एक बुक बहुत अच्छी का निकला था कि ये लगवा लो, तो कुछ था ऐसा ही कि इसका सब्सक्रिप्शन ले लो या कुछ, तो उन्होंने करवा लिया था, तो शॉप पे आई थी, शॉप का एड्रेस दिया था, फिर वो हमारे लिए सरप्राइज घर पे लेके आए थे ये बुक, हम बस सब बहुत खुश हुए थे, ये उसको याद है चीज़ें, तो ये सब वो काम करते थे चीज़ें, तो घर का काम वो इसलिए कहते थे कि बिजी रहो, सिलाई भी कर लो, सीख भी लो, ये स्किल्स काम तो आती है ना, खाने का भी ये है, कहीं फंस जाओ तो खाना तो बनाना चाहिए ना, लेकिन इसके साथ वो ये भी करते थे कि आप बैंक के काम भी कर लो, उनके काफी सारे काम होते थे शॉप के जो बैंक में ड्राफ्ट्स वगैरह जो बनते थे, तो उस बोलते थे कि ब्रदर जाता था, एक सिस्टर भी जाती थी, मैं थोड़ा इंट्रोवर्टेड थी, मैं नहीं जाती थी, ठीक है, लेकिन उनकी तरफ से कोई मना नहीं था, बैंक का भी कर लो जितना काम वहाँ बाहर का है और ज़्यादा वहाँ स्कोप था नहीं, और घर का भी कर लो बिजी रहो, तो वहाँ कोई ऐसा नहीं था, अगर घर का कह रहे हैं
तो उनका मकसद ये था कि बिजी रहो, बाहर का भी सीखो। उन्होंने कभी वो नहीं किया, इनकरेज ही किया करने के लिए। तो ये कुछ नहीं था बेटा बेटी, अगर बेटे को भेजते थे बैंक तो हमें भी कहते थे तुम भी कर लो, बल्कि बहुत खुश होते थे। मुझे तो वैसे आपसे बात करके कभी भी ऐसी चीज़ लगी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने इसलिए आपसे ये क्वेश्चन किया कि मतलब अभी भी कुछ पिछड़ा समाज है। देखिए कि आज भी समाज में ये चीज है कि लड़के लड़कियों में भेदभाव है काफी, बहुत अच्छे अच्छे घर में हम लोग को ये चीज देखने को मिलता है, तो वो उस पर हम लोग कभी बाद में बात करेंगे। तो मैंने इसलिए चाहिए, लेकिन आपको देख कर कभी हमें लगता है अभी बातों से लगा नहीं है। मैं लास्ट में आपसे एक बात और पूछना चाहती हूँ, उसके बाद से हम समाप्त करेंगे कि आप ये बताइए दीदी कि आपकी लाइफ में 2 साल से काफी आप मतलब संघर्ष झेल रही हैं, काफी स्ट्रगल है आपकी लाइफ में, तो इस दौरान काफी चीजें उतार चढ़ाव जिंदगी में आ रही है आपके, हम लोग कभी इसके बारे में बात करेंगे। तो इससे मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे कि आप मुझे ये बताइए कि इस दौरान जब आपकी लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, आप इतना संघर्ष कर रही हैं, काफ़ी स्ट्रांग हैं, उसके बाद भी देखिए इंसान तो इंसान ही होता है, तो इस समय में आपके पापा के उससे आपको क्या हौसला मिलता है, क्या हिम्मत मिलती है, आप क्या उसको कैसे अपनी ज़िंदगी में ले रही हैं? अच्छा, हौसला तो देखो मुझे याद आता है मैं सबसे छोटी थी ना, तो थोड़ा सा अटेंशन सीकर भी थी, मतलब ध्यान मेरी तरफ जाए होता है हर समय, है ना, तो वो थी। तो एक बहुत सूनापन अकेलापन था, तो मैं उदास हो जाया करती थी जल्दी। कोई घर में रहने आया, मतलब सिस्टर लोग चली गई तो उदास हो रही हूँ। मत देखो सबकी लाइफ में होता है, ये मेरे लिए नहीं है स्ट्रगल और संघर्ष, सबके लिए हाँ, लेकिन पेरेंट्स जो थे वो कहीं होता है। तो मेरा ये था कि एकदम से उदास हो जाना छोटी छोटी बात पे या कुछ सा, पता नहीं क्या था अंदर। ऐसा कभी करूँगी, कभी मैं भी सोच रही हूँ कि अपना ऑटोबायोग्राफी लिखूँगी आत्मकथा, तो उसमें पूरा उसमें उकेरूँगी चीज़ें, तो उससे मेरे को भी बहुत सारी चीज़ें और स्पष्ट होंगी, जितना भी टाइम मेरा है इधर इस संसार में। तो बहरहाल तो वो मुझे याद है, जब भी मैं थोड़ा सा इधर उधर थोड़ा सा लगता था उनको, उदास के अलावा भी कभी मैं जैसे लगता था कि अब मैं किसी चीज़ को नहीं वो हैंडल कर पा रही हूँ, या स्कूल में या कहीं कॉलेज में या कुछ चीज़ ऐसे हो रही हैं, तो एक उनकी लाइन थी जो मेरे ख्याल से मेरे नहीं याद है, मेरे जो सिबलिंग से भाई बहनों को नहीं याद। अच्छा। लेकिन मेरे हमेशा यहाँ सब जगह इको करती है, जब भी होती थी बस वो एक लाइन कहते थे, उचक थी के राहुल लाल, उचक थी के राहुल लाल, लाल वो बेटा को बोलते थे। अच्छा, उचक थी के मतलब चेन अप करके रहो, ये मैं पहले भी एक इंटरव्यू में बता चुकी हूँ, चेन अप हेड शोल्डर और अच्छा। पूरा उससे रहो, ऐसे कुछ हार मानने की जरूरत नहीं है, अगर आप सही हो तो हार मानने की क्या जरूरत है, ये तो आती रहती लाइफ है तो आएगी, है ना, सब चीजें हैं, सब चीज़ें हैं। तो वो चीज़ मेरे को हमेशा याद रहती है। उसके अलावा मेरा भी अब ऐसा बन गया है सब कुछ देख दाख के, एक तो मेरे से ज़्यादा लोग सॉरी स्ट्रगल बहुत लोग कर रहे हैं, इससे भी बड़े बड़े स्ट्रगल संघर्षों में लोग हैं, नीचे ऊपर सब जगह देखती हूँ मैं आसपास, इतने लोगों से मिलना होता है, आप लोगों के थ्रू भी अब मिल रही हूँ लोगों से, क्या क्या नहीं देख रही हूँ मैं, सबकी लाइफ में है। बस ये है कि एक वो भी बस लास्ट वर्ड्स में मैं अब ख़त्म करती हूँ इंटरव्यू, अब ये जो भी है बातचीत हमारी ज़्यादा लंबी नहीं करते, कि वो फाइटर थे, माय फादर वाज ए फाइटर एंड सिंस आई एम हिज डॉटर आई एम आल्सो ए फाइटर, मैं भी फाइटर हूँ जी जी, बस जी। इतना ही कह सकती हूँ, शुक्रिया बहुत टाइम निकाला। और मैं आपसे अभी कहूँगी, मुझे वाकई आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके बारे में बात करके, काफ़ी चीज़ें आपके पिताजी की बरसी पे ही थी तो उनके बारे में हम लोगों ने बात की। मैं अपने सारे दोस्तों से जो भी हमारे व्यूवर्स हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। और आपको अंजना दीदी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कि आपने इतना टाइम निकाला हमसे बात करने के लिए, मुझे बहुत मन था आपसे बात करने के लिए। आगे भी हम लोग जुड़े रहेंगे और ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे, हर मुद्दे पे आगे हम लोग का जो वीडियो होगा जल्द ही लेकर के आएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।